विकास एवं अध्यापन विधा यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का वीडियो नंबर 2 फॉर यूपी टेट सीटेट प्राइमरी लेवल्स एंड जूनियर लेवल्स एंड यूपी प्राइमरी टीचर इक्विपमेंट टेस्ट के लिए। एंड वीडियो नंबर 2 में हम दे रहे हैं मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो ये जो है पहले थोड़ा सा लैंग्वेज में हो जाएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाद में क्वेश्चन आंसर तो आते ही रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी दिए जाएंगे। तो मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषा, इससे रिलेटेड मैंने क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। मानव अभिव्यक्ति एवं विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है, यानी कि सामान्यतः मानव की अभिव्यक्ति अभिवृद्धि एवं मानव विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। यानी अभिवृद्धि अलग होता है, यानी ग्रोथ अलग होता है, एंड विकास अलग होता है, ठीक है। अभिवृद्धि अलग होता है एवं विकास अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से माना जाता है, जैसे उसके आकार, भार, कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। जबकि मानव विकास से तात्पर्य उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट में कहा जाता है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास में उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन भी होते हैं। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है या अभिवृद्धि एक निश्चित एज पर आने के बाद रुक जाती है, परिपक्वता पाने के बाद रुक जाती है, यानी कि एक निश्चित एज तक शरीर के अंग बढ़ते हैं और लंबाई चौड़ाई आदि बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे लंबाई का बढ़ना कुछ पॉइंट होते हैं फिक्स हो जाती है, परंतु उसका जो शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि बच्चा है, उसके बाद व्यवहार में चेंज आएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो व्यवहार परिवर्तित होता चला जाता है। छोटा बच्चा होता है, इस जो जिद करता है, जिस जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका जो व्यवहार है धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाएगा, और मैच्योर होगा, किशोर अवस्था में आएगा तो और मैच्योरिटी आ जाएगी, तो व्यवहार लगातार परिवर्तित होता रहता है। और जो जनरली जो परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं उसके बाद भी व्यवहार परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक है। व्यवहार एक लगातार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अब बता दें कि मानसिक व्यवहार, शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि छोटा सा पॉइंट लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो डेवलपमेंट है यानी कि मानव विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कहाँ, ठीक है। तो इस पर ऑप्शन, एक करेक्ट ऑप्शन डाल ले निरंतर चलने वाली है, दूसरा डाल ले अनिरंतर चलने वाली है, या ठीक है, या और भी गलत ऑप्शन दो तो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको करेक्ट आंसर से ही चूज करना है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जन्म से मृत्यु तक होने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, विकास यानी कि डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें कुछ शिक्षाविद के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट कहे गए हैं, जैसे कि फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक एक है रहे हैं एजुको शिक्षाविद, तो उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि अभिवृत्ति से तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे कि लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। यानी कि फ्रैंक के अनुसार कहा गया है कि अभिवृत्ति से उनका तात्पर्य है कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, जबकि जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि आदि, जबकि विकास से तात्पर्य है प्राणी के होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। वास्तव में प्रत्येक परिवर्तन को हम विकास नहीं कह सकते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन ही विकास की कोटि में आते हैं। यानी कि जो भी परिवर्तन होता है, प्रत्येक परिवर्तन को हम विकास नहीं कह सकते हैं, ठीक है, विकास नहीं कह सकते हैं, जो प्रगतिशील परिवर्तन को ही विकास कहा जा सकता है, जो विकास की कोटि में आते हैं। प्रगतिशील यानी कि जो चलते हुए दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, जो प्रगतिशील परिवर्तन है यानी कि लगातार
जो चल रहे हैं। परंतु विकास कभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं होता है। ये भी एक पॉइंट है कि विकास क्या परिपक्वता को प्राप्त होता है, यानी मैच्योरिटी पर आता है, नहीं, या जबकि अभिव्यक्ति एक मैच्योरिटी पर रुक जाती है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी परिपक्वता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास कभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निष्कर्ष रूप में विकास की प्रक्रिया को निम्न रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि विकास के एक परिभाषा या डेफिनेशन दी जा सकती है, मानव विकास एक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके डेफिनेशन कह सकते हैं विकास का अर्थ एवं परिभाषा। मानव का विकास एक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है, जो मानव का विकास है एक निरंतर चलने वाली निरंतर और प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है, नई नई योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है। यानी कि उसके जो व्यवहार है उसमें चेंजिंग हो जाता है, ऊर्ध्वगामी यानी कि बड़ा परिवर्तन भी होता है, नई नई योग्यताएं हासिल करता है।